अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम मैंने जी कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जाना वो एक्सपीरियंस से डिस्कस किया था, और आज हम जो है ना इसी कंपाउंड और मिक्सचर के जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर की फॉर्मेशन कैसे होती है। कंपाउंड जो होता है ना जी, इसको ये फिजिकली कंबाइन होते हैं तो देन आपके पास जो है ना वो कंपाउंड बनता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, ये वाला देखें, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको हम लाएंगे तो ये वाला क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे ये है कि हमने बात की कि जब फिजिकली कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाएंगे तो देन हमारे पास जो है ना वो कंपाउंड बनेगा। अगर हम ये करें कि जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले और किसी एक कंटेनर में डाल दें और हम कहें कि जी वाटर बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इनको फिजिकली जो है ना वो आप डालेंगे तो देन आपके पास जो है ना वो बनेगा, सॉरी केमिकली अगर आप कंबाइन करेंगे तो तब आपके पास जो है ना बनेगा। अभी हमारे पास जो है ना वो मिक्सचर की कंपोजिशन के बारे में जो है ना वो फॉर्मेशन के बारे में है कि मिक्सचर जो होता है जो है ना ये वाला फिजिकली जो आप इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं जब उनको मिलाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो मिक्सचर बन जाता है। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं जी, वाटर है, वाटर प्लस आपके पास क्या है जी सैंड, तो ये वाला क्या है जी फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बीकर है तो यहाँ पे जो है ना ये वाले वाटर के मालिक हो जाए और नीचे जो है ना ये वाले सैंड के मालिक हो जो है ना वो है। तो ये वाला क्या है जी, किसी भी बीकर जो कंटेनर है उसके अंदर आप वाटर डाल दें और सैंड को डाल दें, रेत को डाल दें, तो आपके पास जो है ना मिक्सचर बन जाएगा। उसके लिए किसी केमिकल मतलब जो प्रोसेस होता है कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी तरह आप डाल दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। अगला जी आपके पास है जी इसकी प्रॉपर्टी, जब कंपाउंड होता है जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि वो चीजें जिनसे मिलकर कोई कंपाउंड बनता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकली आपको मिलते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है उसकी अपनी डिफरेंट जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास 2H2+O2 मेक्स टू आपके पास क्या रहेगा 2H2O, ये वाला हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास दो कंपोनेंट है, हाइड्रोजन है ये भी गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन है ये भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन जब इनसे जो प्रोडक्ट बनी है ना वो हमारे पास वाटर है, और वाटर हमारे पास क्या जी वो वाला लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। तो देखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो क्या थे, गैस की स्टेट में थे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हुई है हासिल हुई है जो कंपाउंड बने हैं वो किस फॉर्म में है, मतलब किस स्टेट में है, वो हमारे पास जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कोई भी चीजों का किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को मतलब बनाने से हमारे पास जो अगर हम मिक्सचर बनाएंगे तो वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होगी आपके पास जो मिक्सचर बनेगा उसकी भी प्रॉपर्टी जो है ना वो वही होगी। हम यहाँ पे देखें जी वाटर हमारे पास है प्लस हम जो है ना वो आयरन मिला देते हैं इस कंटेनर के अंदर, हम क्या करेंगे नीचे जो है ना वो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे और ऊपर जो है ना वो हमारे पास आयरन हो जाएगा। ठीक है, पहले भी हमें आयरन और वाटर लगा रहता था और यहाँ पे भी इनका मिक्सचर बनाने जब हम बनाएंगे ऊपर हमें आयरन नजर आएगा नीचे हमें जो वाटर नजर आएगा, यानी इसमें कॉन्स्टेंट जो होता है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता। तीसरा पॉइंट है कि आपके पास रेशियो, जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स रेशियो से जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं जी, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए देखें ये वाला 2:1 आपके पास ऑक्सीजन का 16 होता है, जब इस सिंपलीफाई करेंगे 1:8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम हाइड्रोजन को 1:8 की रेशियो से मिलाएंगे बाय मास तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड बनेगा। अगर हम इसकी रेशियो जो है वो चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए हम 8 की बजाय 7 ले लेते हैं या 1 की बजाय हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जो है वो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, वाटर तभी बनेगा जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाय मास 1:8 की रेशियो से मिलाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो वाटर बनेगा। आगे भी हमारे पास आता है मिक्सचर, मिक्सचर आप में आप जो है ना फिक्स रेशियो नहीं लेते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यही वाली जो एग्जाम्पल हमारे पास है इसके अंदर जो है ना ये मैं कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर कितना डाल दिया है, वाटर आपके पास है जी 100 मिलीलीटर है और इसके अंदर जो आपके पास ये वाला आयल है, ठीक है, ये वाला आयल जो है ना ये मैंने 50 मिलीलीटर जो है ना वो डाल दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि जी नहीं मैंने जो वाटर है ना वो 80 मिलीलीटर
25 डाल सकते हैं। मैं इस रेशियो से मिलाऊंगा तो भी मिक्सचर बनेगा वाटर और ऑयल का, और अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की रेशियो को चेंज कर देते हैं तो भी आपके पास मिक्सचर बनेगा, वो और अलहदा से मिक्सचर होगा किसका, वाटर और ऑयल का। आगे की आपके पास जो इसकी फोर वाली प्रॉपर्टी है वो है सेपरेशन, कि जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाया, हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ गई जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, तो क्या हम उस जो प्रोडक्ट है दोबारा उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है ना वो सेपरेट कर सकते हैं? तो जो आपके पास कंपाउंड है ना, इसको हम फिजिकली मेथड से जाना वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर ये वाला हमारे पास है कि जी हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर हम ये चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन हम कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो है ना वो सेपरेट कर दें तो वो पॉसिबल है, लेकिन कैसे, कि आपके पास जो है ना वो केमिकल मेथड से। लेकिन अगर आप चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा कार्बन ऑक्सीजन में मैं अलग-अलग कर दूं और फिजिकल मेथड से कर दूं, ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कि जो मिक्सचर होता है ना इसको फिजिकल मेथड से हम जो है ना वो अलग-अलग कर सकते हैं। साल के तौर पर ये वाला हमारे पास बीकर है, बीकर जो है ना हमने मिक्सचर जो है ना वो बनाया हुआ है किसका, वाटर का और सैंड का, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाला सैंड है और ये वाला हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब इसको हम फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, कैसे, कि हम जो है कोई सा भी फिल्टर पेपर ले उसके अंदर जो है इसको डालें और जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा और जो सैंड होगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है वो फिजिकल मेथड से मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास जो पॉइंट फाइव वाला है उसमें जी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होती है, कि जो कंपाउंड होता है जी ये वाला हमारे पास जो है ना वो होमोजेनियस होता है, ठीक है। इसमें सेम जो है ना वो चीजें पाई जाती हैं, जिस तरह के ये वाली एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, तो दोनों सेम मिलकर हमारे पास जो है ना वो कंपाउंड बनाएगी यानी होमोजीनियस होगी। लेकिन जो मिक्सचर होता है ये वाला हमारे पास जो है ना वो हेट्रोजीनियस होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो वाली एग्जांपल देखें कि ये वाला हमारे पास जो है ना वो वाटर और सैंड का मिक्सचर बना हुआ है। अब इस कंटेनर के अंदर जो सैंड है ना वो सॉलिड है और जो वाटर है वो हमारे पास लिक्विड है, तो दोनों अलग-अलग स्टेट में आ गए, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ना वो होगा। अगला जी जो लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, और जो हमारे पास मिक्सचर होता है जिसका जो हमारे पास होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो शार्प नहीं होता, मतलब जो है ना वो लो होता है। एक प्रॉपर्टी भी और इसमें ये है, ऐड कर लें कि कंपाउंड आपके पास जो होता है ना इसको शो करवाने के लिए हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास देखें मिसाल के तौर पर ये वाला वाटर है, इसका भी हमारे पास फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी फार्मूला है, H2SO4 है इसका भी हमारे पास फार्मूला है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है जी, ये सारे के सारे आपके पास कंपाउंड है। लेकिन इस तरफ अगर आते हैं जो मिक्सचर होता है इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब देखो ना वाटर और सैंड को आपने मिलाया तो ये वाला, अगर आप वाटर को कम और सैंड को ज्यादा मिला देंगे तब भी मिक्सचर बनेगा, कोई फार्मूला नहीं है। वाटर और ऑयल को मिलाएंगे तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने कहा कि आप वाटर जो है ना ऑयल जो है ना 50 मिलीलीटर ले लें और जो वाटर है वो 100 मिलीलीटर ले लें आप, तो ये आपके पास मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 50 और 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 की रेशियो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगी 1:2। लेकिन अगर कोई मतलब जो है ना और आता है वो कहता है नहीं जी मैंने इसको 25 लेना है और इसको मैंने 50 लेना है, जो है ना वो 75 लेना है, ठीक है। जो आपके पास वाटर है वो 75 मिलीलीटर लीटर है और जो आपके पास ऑयल है वो 25 मिलीलीटर है, तो इन दोनों को मिलाओगे तब ही आपके पास जो है ना वो क्या बनेगी, जो है ना वो मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के दरमियान कौन सी रेशियो है, इन दोनों के दरमियान 1:3 की रेशियो पाई जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जो कंपाउंड होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है और जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसका केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो ये वाला बेटा आज आपका टॉपिक था कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी जरा इस पर जो है ना वो अच्छी तरीके से तैयार करना आपने इसको, और ये वाला आपने इसको लर्न भी करना है और आपने इसको अपनी होमवर्क वाली कॉपी के ऊपर जो है ना वो राइट भी करना है। ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्री नाइन क्लास
चैप्टर वन हम लोग पढ़े थे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल इससे पहले डिस्कस किया है, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। सब एटॉमिक लेवल जो है वो वाला लेवल था जिसमें एटम के पार्टिकल्स आ जाते थे, फर्दर उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और एटॉमिक लेवल के अंदर जो है वो डेफिनेटली एटम खुद आ जाता है, ठीक है। हमने कहा था कि एटम जो है वो नॉन डिविजिबल होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं करता। दुनिया का सारा मटेरियल इज मेड अप ऑफ द एटम्स, ठीक है। और एटम्स के आगे एटम्स मिलके जो है वो क्या काम करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। एटम्स जो है वो मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ये कंपाउंड्स बना देते हैं। तो अगला जो लेवल है हमारा वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, दैट इज द मॉलिक्यूलर लेवल। आपको पता है कि जो एटम्स है या जो जितने भी एलिमेंट्स हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो अलग अलग नहीं रह सकते, ठीक है। कुछ एटम्स रह सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। दे हैव टू फॉर्म अ बॉन्ड विद एन अदर एटम, उनको एक बॉन्ड बनाना पड़ता है दूसरे एटम के साथ, उस तरह से वो एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। जब कंबाइंड फॉर्म में हो तो उसको फिर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। और फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देमसेल्फ डू नॉट अकर इन द आइसोलेटेड फॉर्म, वो खुद भी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग रहना, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड पढ़े होंगे कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, कवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड होता है, ये जो आपने बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं ये बॉन्ड्स जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो आइसोलेटेड अलग अलग फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड होता है वो आयनिक हो सकता है, कवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे कि कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं जो बनते हैं बॉन्डिंग्स के साथ उनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर यहाँ पे बायो के अंदर अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर लेवल की डेफिनेशन आती है या पूछा जाता है कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, तो फिर आप लोग ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म थ्रू सच बॉन्डिंग्स। सच बॉन्डिंग्स की जगह पे आप लोग आयनिक कवलेंट या कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्डिंग आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो या जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको मॉलिक्यूल्स या फिर हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं भला, अपने माइंड में देखे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाती हैं, स्टार्चेस वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑयल फैट्स वगैरह, ठीक है, उनके जो उनके अंदर मजीद फैटी एसिड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह के बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो आयनिक कवलेंट या कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्डिंग से बने हुए होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स हम बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर इनॉर्मस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनॉर्मस का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा तादाद में, बहुत वास्ट क्वांटिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के होते हैं। एक आपने कहना है कि मॉलिक्यूल्स जो है ये एनॉर्मस क्वांटिटी के अंदर है, ये नंबर के अंदर है, और जो इनकी टाइप्स है वो हंड्रेड्स में है, ठीक है। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आपको पता है कि जो मेजर कैटेगरीज हैं बायो मॉलिक्यूल्स की वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड्स हैं, वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज वगैरह हो गया। प्रोटीन्स में आपको पता है आपने अमीनो एसिड्स पढ़े थे कि अमीनो एसिड्स जो है वो मिलके अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बना देते हैं। फैटी एसिड्स जो है वो ऑयल्स या लिपिड्स बना देते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो दो तरह के हमने डिस्कस किए थे क्लास के अंदर भी, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़े हुए हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अलावा अगर इनको मजीद हम लोग स्टडी करना शुरू करें, कार्बोहाइड्रेट्स को मजीद स्टडी करना शुरू करें, प्रोटीन्स के अंदर उसकी मजीद सब कैटेगरीज के अंदर जाएं, लिपिड्स को मजीद अंदर से स्टडी करना शुरू करें, तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक तो कहता है कि इनॉर्मस नंबर, बहुत ही ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और फिर इनके टाइप्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स रहेंगे। बायो मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स
दे आर द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि आपकी बॉडी बायो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ठीक है। उस नीचे वाले आप लेवल के ऊपर जाते हैं तो एटॉमिक और सब एटॉमिक है, और सब एटॉमिक लेवल मिलके जो है वो कंबाइन करके एटॉमिक लेवल बना रहा है, एटम्स मिलके जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज बना देंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स जो है वो मिलके ये ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह भी, एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानवर आपको आपके इर्द-गिर्द मिलते हैं वो सारे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स सबके अंदर पाए जाते हैं, उनके क्वांटिटी भी उनका नंबर भी। तो बिल्डिंग जो मटीरियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, वो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स है ये ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेट का मतलब है बहुत ज्यादा अजीम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ चीज की, ऐसी कुछ सिंपल सी बात नहीं है कि आप कहें कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है तो दैट्स इनफ, ऐसी इतनी सिंपल बात नहीं है। बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं, और क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि इन बायो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है, ये जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के रह रहे होते हैं ना, इनकी तरतीब बड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स का ये मॉलिक्यूलर लेवल का एक कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं फिर इसी को लेके आगे हम लोग चलते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब है अलग होना, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना। तो बायो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग 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 नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड जो है वो थ्री काइंड्स भी हो सकते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे, जिस तरह से आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो इनॉर्मस नंबर के अंदर पाए जाते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, एक तो नंबर बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ जो है वो उनकी टाइप्स भी बहुत ज्यादा बायो मॉलिक्यूल्स की। और बायो मॉलिक्यूल्स जो है इनकी स्पेसिफिक जो है वो अरेंजमेंट बॉन्ड्स की होती है, और स्पेसिफिक बॉन्ड्स की अरेंजमेंट की वजह से ये एक पेचीदगी के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक हम ये कह रहे हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं। इनकी फर्दर जब हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, मजीद इनके टाइप्स पर डिस्कस करते हैं, तो उनके अंदर मजीद पेचीदगी पाई जाती है। बच्चों इसके अलावा बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरा जो है वो मैक्रो। माइक्रो जो वर्ड है इसका मतलब हम लोग लेते हैं स्मॉल, और मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पीछे पढ़ी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, उनका जो मॉलिक्यूलर आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिलेटिवली कम होते हैं, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज और वाटर, आप ग्लूकोज को देखिए इसका फार्मूला होता है C6H12O6, वाटर को आप देख लें H2O, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसके अंदर भी कम है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। इस तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज या बड़ा, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स या जब हम मॉलिक्यूल्स को लार्जर एक पर्सपेक्टिव में क्लासिफाई करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं, ठीक है, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर क्लासिफाइड फॉर्म में हम लोग उसका कोई एक जो है वो कोई एक उसका मॉलिक्यूल पकड़ लें, जैसे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है उसको जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी अगर हम लोग उसके साइज की मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ मॉलिक्यूल्स का वेट जो है वो कम होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का वेट जो है वो ज्यादा होता है। अब देखिए ग्लूकोज इटसेल्फ इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आपको पता है दे आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड्स जो है वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो
अमीनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इन जो कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स होते हैं उनकी निस्बत ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। तो प्रोटीन्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इस तरह से लिपिड्स हैं, लिपिड्स के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो तरह के लिपिड्स की टाइप्स होती हैं, एक जो है वो फैट्स होते हैं, दूसरे जो है वो ऑयल्स होते हैं। तो फैट्स और ऑयल्स दोनों के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर। ठीक है, वाटर का भी अगर हम लोग इसको बात करें तो एक ड्रॉपलेट ही होता है वाटर का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, और जो लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट्स या ऑयल्स उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स से, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपने याद रखना है वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका वेट मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। एग्जाम्पल इसमें आप ग्लूकोज और वाटर की लिख देनी है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। इसमें आपने स्टार्च लिख देना है, इसमें आपने प्रोटीन्स लिख देना है और लिपिड्स लिख देना है। तो ये आपका आज स्टूडेंट्स टॉपिक था, लेवल ऑफ फर्मेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनल लेवल करेंगे। आपने याद रखना है एक तरतीब आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमने बात की थी सब एटॉमिक लेवल की, फिर हमने एटॉमिक लेवल की बात की है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, ये आपको मॉलिक्यूलर लेवल है। अब मॉलिक्यूल्स मिलकर जो हम ऑर्गेनल्स बनाएंगे, ऑर्गेनल्स मिलकर सेल्स बनाएंगे, वो फर्दर हम लोग उसको रीड आउट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है और साथ साथ आपने लिखना है। ठीक है, इसको लिखना आपको इस तरह से है कि मॉलिक्यूल की, ठीक है, लेवल आपका मॉलिक्यूलर लेवल है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद ऊपर और नीचे वाली आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। और इसके अलावा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है आपके साथ में, एग्जाम्पल्स दे देनी है, या इसके ऊपर चार नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर्स में अक्सर आता है। ठीक है, ये बड़ा फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से याद करना है। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था बच्चे, कल हम लोग इंशाल्लाह ऑर्गेनल और सेल लेवल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।